Hello my lovely friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर करूंगी जो कि है ईद स्पेशल मेकअप लुक और ये है लुक नंबर टू बिकॉज मैं ऑलरेडी एक ईद मेकअप लुक आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ एंड ये है सेकेंड मेकअप लुक विच आई हैव क्रिएटेड फॉर दिस अपकमिंग ईद और इस मेकअप लुक को मैं बहुत ही अफोर्डेबल एंड बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के साथ क्रिएट की हूँ ताकि जो लोग बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके. प्रोडक्ट्स के सारे डिटेल्स उसके प्राइस के साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लेना. सो अगर आप लोग देखना चाहते हो कि मैं इस लुक को कैसे अचीव की हूँ देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग एंड उसके साथ साथ प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो एंड हेल्पफुल रहे देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. सो सबसे पहले मैं इस एलोवेरा जेल को अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी एज अ मॉइस्चराइजर एंड एज अ फेस प्राइमर. फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लैक्मे परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन और मेरा शेड है नेचुरल पर्ल. इसको मैं अपने फेस पे और नेक पे डॉट डॉट करके लगा लूँगी और फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ NYBA कंसीलर इन द शेड ग्रैंड गोल्डन सेंट्रल 3. इस कंसीलर को अपने अंडर आइज और थोड़ा बहुत जहाँ मुझे नीड है वहाँ पे अप्लाई करके ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. कंटूरिंग के लिए भी मैं यहाँ NYBA की कंटूरिंग स्टिक यूज़ कर रही हूँ. मैं यहाँ पे क्रीम कंटूरिंग कर रही हूँ इसीलिए मेकअप को सेट करने से पहले ही कंटूरिंग कर ले रही हूँ. इसको अप्लाई करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की बी माई सेल्फ अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कॉम्प्रेस्ड पाउडर. अभी मैं अपने आईब्रोज को फिल इन कर लूँगी इस ADS आईब्रो पेंसिल की हेल्प से. आफ्टर फिलिंग माई आईब्रोज मैं इस पुली की हेल्प से अपने आईब्रोज को कॉम्ब आउट कर लूँगी. आई मेकअप के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ SFR कलर की आई शेडो पैलेट और ये पैलेट का नंबर है 02. तो सबसे पहले मैं इस पैलेट से ये लाइट पीच कलर पिक करूँगी अपनी ट्रांजिशन के लिए. इस कलर को अपनी ट्रांजिशन पे प्लेस करते हुए अच्छे से ब्लेंड करती जाऊँगी. अभी इस पैलेट में से ये डार्क पर्पल कलर पिक करूँगी और इसको मैं अपने आउटर कॉर्नर पे फोकस करते हुए अपने क्रीज लाइन पे ब्लेंड करती जाऊँगी ताकि मेरा क्रीज लाइन डिफाइन हो जाए अच्छे से. इसके बाद इस पैलेट में से ये डार्क पिंक कलर पिक करूंगी और इसको मैं अपने आईलिड पे प्लेस करके अच्छे से ब्लेंड करूंगी. फिर इस तरह का एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं सारे कलर्स को अच्छे से ब्लेंड करूंगी ताकि कोई भी हार्श एजेस ना रहे. अभी मैं वेट एंड वाइल्ड की प्रेस्ड ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ
और मेरा शेड है टोस्टी. ये ब्यूटीफुल सा गोल्डन कलर है. सो इसको मैं अपनी फिंगर से पिक करके अपनी आई लिड पे इस तरह से प्लेस करूँगी जैसे मैं कर रही हूँ. अभी इस तरह का एक स्मॉल फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश से मैं इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी इसकी एजेस को स्मूदन आउट करने के लिए. अभी मैं ब्लू हेवन की इस स्पार्कल आईलाइनर से एक विंग लाइनर क्रिएट करूँगी. काजल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की ब्लू काजल. इसको मैं अपनी लोअर लैश लाइन एंड वाटर लाइन पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. सो काजल अप्लाई करने के बाद फिर से इसी पैलेट में से वही सेम पर्पल कलर लेके अपनी लोअर लैश लाइन के क्लोज काजल के साथ इस तरह से स्मज करती जाऊंगी. मैं थोड़ा सा जूम कर ली हूँ ताकि आप लोग ठीक तरीके से देख सके. ब्लशर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का ब्लशर पैलेट. इस पैलेट में से ये लाइट पिंक कलर का ब्लश पिक करके अपनी एप्पल्स ऑफ द चीक्स पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. और इसी सेम पैलेट में से ये हाइलाइटिंग शेड लेके मैं अपनी आईज के इनर कॉर्नर्स और ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी. एंड इसी सेम हाइलाइटर से मैं अपनी फेस को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँगी यूजुअली जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट करती हूँ. फॉर मस्कारा आई एम यूजिंग ब्लू हेवन वॉक फ्री मस्कारा. इसे मैं अपने लैशेस को अच्छे से कोट कर लूँगी. नाउ मैं अप्लाई करूँगी फॉल्स लैशेस. सो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मैं फॉल्स लैशेस अप्लाई कर ली हूँ. अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का नॉन ट्रांसफर लिप कलर और मेरा शेड है पंक मरून. अपने मेकअप को लॉक करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर. एंड उसके बाद मैं इसको अपने फेस पे पुश कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ द सेम ब्यूटी ब्लेंडर. एंड गाइज दिस इज़ द फाइनल फिनिश्ड लुक. आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी और ये मेकअप लुक आप लोग को पसंद आई होगी. अगर आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक सच में पसंद आए और ये वीडियो आप लोग के लिए सच में हेल्पफुल रहे देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और उसके साथ आप लोग इस वीडियो को कर सकते हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading up.